फ्रिज में सामान तो रखू। अब मैं इसको कहाँ रखू? विकास प्लीज इधर आओ जल्दी। यस बेबो, यो बोलो। आओ आओ, मैं दिखाती हूँ क्या हुआ। हाल पे हाथ लगाने से कुछ नहीं होता है। एक ही बर्तन में रखने के लिए आई और मेरे को रखने को जगह नहीं मिल रही है फ्रिज में। मैंने कितनी बार बोला मुझे न्यू फ्रिज चाहिए, न्यू फ्रिज चाहिए। अब बताओ मैं कहाँ रखू सामान? गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। मजाक की बात नहीं है। तू ये इतना सारा सामान रखेगी? दिस फ्रिज इज गुड फॉर 2 to 3 पीपल। पर ये तो देखो, 2 में इतना भर गया है। बेबी ये इतने सारे अंडे, इतने सारा बटर, 3 किलो आम, एक खाने वाला, आओ ते तो ये भर ही जाएगा। पर जगह तो घेर रहे ना। चलो नया फ्रिज लेके आएंगे फिर। है सच में? हाँ, यू विल पे ना। आई विल नॉट पे। ईशो आ जाओ, फ्रिज देखते हैं। एक्शन रिएक्शन। अब तू इतनी छोटिया तोड़ेगी तो ऐसा ही होगा ना। ये देखो अमेज़न पे है, साइड बाय साइड देख रहे हो? फिर वो तो हमारे पास है ही बड़ा, तो फिर अब तो साइड बाय साइड ही लेना चाहिए। वैसे तो आई एम नॉट इन फॉर इट। वो भी हमारा अच्छा है, नहीं ले तो इस नहीं, वो छोटी है। मैंने पहले ही बोला था बड़ी लो बड़ी लो। उससे बड़ी ना, आप फौज में हो, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कितनी प्रॉब्लम होगी ऊपर से नीचे। नहीं, पर मेरे को बड़ी चाहिए। तो ठीक है, ये देख, फिर तो ही लगाऊंगा लेबर के साथ। तेरी अच्छी दोस्ती होती है ना उनसे। ये हाँ, तो मेरी किसी से भी दोस्ती हो जाती है। देखो इलेक्ट्रोलक्स की है, 1 लाख की। अमेजोन की ले ले, अमेजोन बेसिक सोलिमो, 45,000 ओनली, 45। अब जब ले ही रहे हो तो ढंग की लो। ये कौन सी होती है? सोलिमो। अमेजोन 45,000, एटी फाइव सैमसंग की थाउजेंड लेंगे। सैमसंग वैसे भी कोरिया की ब्रांड है, मुझे कोरिया नहीं चाहिए। चाइनीज ले ले तू, चाइनीज, चीन चाउ चीन, इंडिया की ले ले। मैंने वो सुना नहीं चाइनीज डायलॉग, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। शाम तक होता है देखो। हाँ मतलब शाम तक भी नहीं चलती तो नो, फिर क्यों? बट साइड बाय साइड में तो ज्यादातर सैमसंग या एलजी चलता है, बट एलजी की बहुत महंगी होती है। सैमसंग की 85,000 की है, 20 ईयर्स की वारंटी है इसके कंप्रेसर पे, बाकी सब 10 दे रहे हैं। अच्छा, और ये और कन्वर्टेबल भी है? हाँ, कन्वर्टेबल है, और एक्स्ट्रा फ्रिज, एक्स्ट्रा फ्रीजर बन सकता है। देखा कितने सारे फीचर्स है इसमें। अब पैसा ज्यादा है, ज्यादा तो फीचर तो मिलेंगे ही ना ज्यादा। जब बर्बाद कर रहे थे तब तो समझ नहीं आया। इट इज स्टिल गुड फॉर 2 to 3 पीपल फैमिली। तो फिर एक काम करते हैं कि बाहर देख के आए। वो अपना सोने वाले भैया है ना, उनके पास दिखाते हैं। तो पर अगर ऐसा हुआ कि वो महंगा दे रहे हो और अमेज़ॉन पे सस्ता मिल रहा हो हमें। हाँ हम देख लेंगे ना, देखने के पैसे थोड़ी है, देख लेंगे। ये तो डम है। छोटी तो नहीं है बिबो। ये देख, फायदा हो गया हमारा, आज से ही जीएसटी रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे 30% से 12-18%। फ्रिज पे पड़ेगा 18, हमें पड़ेगा 12-13% का फायदा हो जाएगा। मैं तेरा पर 1 लाख फायदा तो का, मैंने करवाया है, क्योंकि आज ही मैंने बोला है नहीं फ्रिज लो। और तेरी सुन के मैं पहले ले लेता तो मेरा 13% का नुकसान हो जाता। 1 लाख का 13%, पता नहीं। 13,000 रुपये का फायदा हो गया। चलो चलते हैं। तो देखो ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, चलो चलो यहीं पे चल के फ्रिज देखते हैं। चलो चलें। आ गए हम। हमने न्यू फ्रिज ले ली है जो कि सैमसंग की है। अभी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इसकी पैकिंग कैसे खोलेंगे। जैसे आप सब देख रहे हो कि इसकी पैकिंग बीच में ही अटकी पड़ी है, क्योंकि बॉक्स सीलिंग पे टकरा रहा है। तो अभी तक हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसकी पैकिंग को कैसे खोलेंगे। सब आजू बाजू यही देख रहे हैं, देखो कहाँ तक पहुँच गई है इसकी पैकिंग। फ्रिज पकड़ लेना नीचे से, बाकी तो सब लुढ़का मिलेगा। नहीं तो आप कवर उतार लो, ये फ्रिज पकड़ लेंगे। नो डैमेज, नो डैमेज। और फ्रिज पे ही न्यू आ गए। हैप्पी
ऑल गुड। जैसे बड़ी फ्रिज है, खड़ा हो उसके साथ बैठ सकता है तू सर्दी गर्मियों में ना। ये मेरी पुरानी फ्रिज और ये मेरी न्यू फ्रिज। तदा, ये रही मेरी न्यू फ्रिज। जैसा कि मैंने दिखाया, मेरी न्यू फ्रिज आ गई है और मैंने अपना सामान पुरानी फ्रिज से न्यू फ्रिज में भी शिफ्ट कर लिया है। अनबॉक्सिंग करने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि हमें उसका कार्टन बॉक्स संभाल के रखना पड़ता है ताकि जब शिफ्टिंग हो तो वही बॉक्स को हम यूज कर सके। फ्रिज बहुत हेवी था, इसका ओवरऑल वेट 110 kgs है। मेरे को लग रहा है जैसी हमारी यूटिलाइजेशन है उसके हिसाब से वो फ्रिज परफेक्ट है। फ्रिज में काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये फ्रिज साइड है और फ्रीजर साइड में भी अच्छी खासी स्पेस है जो कि बहुत ही अच्छा है। ये इसका डिजिटल पैनल है जहाँ से आप फ्रिज और फ्रीज़र का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। ये इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि आपका फ्रिज वाईफाई से कनेक्टेड है या नहीं है। ये एक कन्वर्टेबल फ्रिज है, फ्रीजर को आप फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रिज को आप फ्रीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसमें खास बात ये है कि इन केस अगर आपको इसका एक कंपार्टमेंट ऑफ करना है तो आप उसको भी ऑफ कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सिर्फ 2 CFL के बराबर है। इससे भी अच्छी बात कि आप इसको फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। सपोज जैसे मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ और मैं अपने फ्रिज को ऑफ या ऑन करना भूल गई तो मैं इसको अपने मोबाइल ऐप के साथ भी कंट्रोल कर सकती हूँ। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका फ्रिज वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। स्मार्टथिंग्स वो ऐप है जो आपके रेफ्रिजरेटर से कनेक्टेड रहेगा। स्मार्टथिंग्स सिर्फ फ्रिज के लिए ही नहीं बल्कि सारे सैमसंग डिवाइसेस के लिए, जैसे कि इसमें दिख रहा है लिविंग रूम आई विश विद प्राची का रेफ्रिजरेटर डोर क्लोज। अगर डोर ओपन होगा तो इसमें नोटिफिकेशन पॉपअप आएगा कि आपके फ्रिज का डोर ओपन है। इसमें आप जाके सारे टेम्परेचर कंट्रोल्स भी कर सकते हो और इसमें पावर कूल और पावर फ्रीज का भी ऑप्शन है। और अगर आप ऐप से ही इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे फ्रिज को फ्रीजर में, फ्रीजर को फ्रिज में, या कोई एक सेक्शन आप ऑफ करना चाहते हो तो वो भी आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो, है ना कूल। अब आ गई परचेज की बात। मैंने ये फ्रिज बरेली के सोनी इलेक्ट्रॉनिक से परचेज किया है। ये सैमसंग का फ्रिज है। इसको मैंने अमेजोन पे चेक किया तो वहाँ पे भी अवेलेबल था, स्टोर्स में भी अवेलेबल है, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, हर जगह, और जो लोकल वेंडर्स होते हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इसकी जो रियल कॉस्ट है वो 1,10,000 है। अमेजोन पे ये आपको 84,000 का मिल जाएगा, पर मेरी ओपिनियन में अगर आप इसे एक लोकल वेंडर से परचेज करेंगे तो शायद आपको और ऑफर भी मिल जाएगा। दो तीन चीज़ों को कंबाइन करके ये एक बेस्ट डील थी, वरना हम खुद भी बहुत डाइसी हो रहे थे, यार एक फ्रिज तो है ही, दूसरा लेके क्या करेंगे। पर डील ही बहुत अच्छी थी एंड सैमसंग का फ्रिज था और इसमें 20 years की वारंटी है, लेना ही था। तो ये था मेरा ओवरऑल न्यू फ्रिज का एक्सपीरियंस। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।